अपनी लचर कार्यप्रणाली के लिए मशहूर पन्ना जिले का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां पूरा देश कोविड-19 की तीसरी लहर की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हैं। ताजा मामला जिले के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया, जहाँ फर्जी फॉर्म बनाकर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 50 लाख का भुगतान कर घोटाला करने के आरोप लगे हैं। मामला उजागर होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा अलग अलग बातें कही जा रही हैं, पर मामले की जांच के बाद ही सामने आएगी। अब देखना ये होगा कि क्या मामले की निष्पक्ष जांच होती है या फिर मामले को हर पार की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये टेंडरों में इन लोगों ने 50 लाख का लगभग घोटाला किया है, क्योंकि इन्हें टेंडर 2019 में हेमंत पाठक के नाम से कृष्णा एंड टू ट्रेलर्स जो महाराष्ट्र की कंपनी उसका हुआ था, L2 में राजका ट्रेलर्स था पन्ना की कंपनी, तो इन्हें 2019 से 1 मार्च से लगा करके 30 जून 2020 तक टेंडर चलाया। इसके बाद L2 को प्राथमिकता 1 जुलाई से दे दी, इसके बाद L2 चलाता रहा। जो 2019 में उसे 20 तक जो ट्रांजेक्शन हुआ है, शरद पाठक जो वहाँ की अकाउंटेंट, उसने अपने साले दिनेश त्रिवेदी की फर्जी फर्म बनवा करके उसी नाम की डुप्लीकेट कृष्णा एंड टू ट्रेलर्स के नाम से उसके प्रोप्राइटर बन गए दिनेश त्रिवेदी, उसमें लगभग 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया 19 से 20 का, हेमंत पाठक के खाते में 1 भी रुपया नहीं गया। उसकी जाँच के लिए मैंने सीमित साहब को आवेदन भी दिया, और इसी के उनने फर्जी टर्न ओवर और एक्सपीरियंस हासिल करके इन्हें अपने फिर से टेंडर ले लिए, जिसकी मैं 3 जनवरी को ऑलरेडी पत्ती लगा चुका था कि पहले इसकी जांच करा ली जाए, जांच आने के बाद ही इसको टेंडर दिया जाए, लेकिन उनने जांच नहीं कराई है, उसको फिर से टेंडर कर दिया है। मैं तो सीएमएचओ साहब को 1 हफ्ते के लिए आवेदन दिया कि 1 हफ्ते में इसकी जाँच कराई जाए, और जाँच नहीं कराई जाती है और जो दोषी पाए जाते हैं तो उनके पास 4 CBC का मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। इसके ऊपर फिर मेरे ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते। इसकी जाँच चल रही है के बाद ही कोई चीज बताई जा सकेगी। अभी केवल अपन किसी मीडिया की खबरों के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते कि 50 लाख का गबन हो गया, और जांच इसकी जांच कमेटी बना रहे हैं, जांच कमेटी बनाकर जैसे इनको रिपोर्ट मिलती है तो जो भी होगा। जबलपुर की केंद्रीय जेल में पदस्थ जेल प्रहरी ही तस्कर निकला।